प्यारे विद्यार्थियों, आज से एजो हब ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल के वीडियो में आपने पढ़ा कि लिपि क्या है, लिपि की विशेषताएं क्या है, देवनागरी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या है, संसार की सभी लिपियों को किस प्रकार से लिखा जाता है, उसमें आपने देवनागरी, रोमन आदि लिपियों से संबंधित कुछ जानकारी ली थी। आज हम उसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे कि कल आपने जो विशेषताएं बताई थी देवनागरी लिपि की, इस आधार पर आपने बताया कि देवनागरी लिपि संसार की सर्वश्रेष्ठ लिपि है, इसलिए उसको आपने वैज्ञानिक लिपि कहा। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक लिपि में कोई न कोई कमी होती है, इसी प्रकार से यदि हम बात करें तो देवनागरी लिपि में भी कुछ कमियां हैं जो अन्य लिपियों के जो समर्थक हैं वे बताते हैं, चाहे वो रोमन से संबंधित हो चाहे पंजाबी, ये उसके अंदर कुछ कमियां बताते हैं। हालांकि वे कमियां नहीं हैं, फिर भी उनका मानना है कि यदि देवनागरी लिपि की इन कमियों को दूर कर दिया जाए तो निश्चित ही वह संसार की सर्वश्रेष्ठ लिपि कहलाएगी। वे कमियां क्या हैं जरा उनको हम यहाँ आज पढ़ते हैं। कल आप विशेषताएं पढ़ रहे थे तो आज हम पढ़ते हैं देवनागरी लिपि की कमियां। कमियां क्या क्या हैं सो देखते हैं। प्यारे विद्यार्थी, अभी तक बोर्ड में कमियों से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं किया गया, लेकिन इस कोरोना काल की स्थिति में इस बार का जो पेपर बनना है वो तो कुछ इसी प्रकार से बनाया जाएगा। आपको पता है कि एग्ज़ाम निश्चित होगा, परीक्षाएं होंगी, रिजल्ट आएंगे, परसेंटेज निकलेगी, और इस बार जो पेपर बनेगा वो अनुमान है कि कुछ पहले से हटकर के बनेगा, और हटकर के बनेगा तो सामान्य सी चीज़ें पूछेगा जो अमूमन विद्यार्थियों को नहीं आएंगी, क्योंकि जब भी पेपर के अंदर सामान्य चीज़ें पूछता है तो सामान्य प्रश्नों की तरफ विद्यार्थियों का बहुत कम ध्यान जाता है, पाठकों का या अध्यापक गणों का भी उधर कम ध्यान जाता है कि ये चीज़ तो पूछने लायक ही नहीं है। इस बार का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है लिपि में से वो ये बनता है कि देवनागरी लिपि की कमियां कौन कौन सी हो सकती हैं सो देखें। सबसे पहले आपने बताया कि इसकी जो विशेषताएं थी उन विशेषताओं में एक चीज़ कही थी आपने कि उच्चारण के अनुसार लिखी जाती है, दूसरा आपने उसके अंदर एक विशेषता बताई थी कि इसके सभी वर्ण समान गोलाई लिए हुए हैं। देवनागरी लिपि में आपने बताया था कि इसके सभी वर्ण समान गोलाई लिए हुए हैं, उन्हीं की हम बात करते हैं कि आपने कहा सभी वर्ण समान गोलाई लिए हुए हैं। पहली कमी इसकी ये बनती है कि इसमें एक समान दिखने वाले वर्ण हैं। पहली कमी है देवनागरी लिपि में एक समान दिखने वाले वर्ण एक समान दिखने वाले वर्ण कौन से हैं, जैसे जैसे देखें हम बात करते हैं कै खै कै वर्ग में रे पंचम वर्ण होता है, आप इसको कहते हैं कै खै गे ग, इसी प्रकार से द रे द डे
इस प्रकार से कुछ एक वर्ण हैं जो एक समान दिखते हैं, एक जैसे दिखने की वजह से यह पता नहीं चल पाता है कि ये देह देह अड़ है, ये कमियां बताई जाती हैं जो है नहीं, पर ऐसा माना जाता है अन्य लिपियों के समर्थकों के द्वारा। दूसरी कमी इसकी जो है वो ये है कि इसमें जो वर्णों की संख्या है वो बहुत अधिक है। अन्य लिपियों की तुलना में देवनागरी लिपि में जो वर्णों की संख्या है वह सर्वाधिक है। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्णों की संख्या अधिक किसी में रोमन लिपि में जैसे 26 हैं तो इसके अंदर कहीं से बहुत ज़्यादा अधिक हैं, इसलिए इसमें जो वर्णों की संख्या है वो बहुत अधिक है। तीसरी जो कमी है वो ये है कि वर्णों की संख्या निश्चित नहीं। जैसे कुछ आचार्य लेखक ये बताते हैं कि इसमें 44 वर्ण है मानक हिंदी के अनुसार। जैसे मानक हिंदी के अनुसार 44 वर्ण बताए गए, इसी प्रकार से किसी ने इसके अंदर 48 वर्ण बताया तो किसी ने इसके अंदर 52 वर्ण बताया तो किसी ने इसके अंदर 54 वर्ण बताया तो किसी ने इसके अंदर 56 वर्ण बताया। कहने का तात्पर्य है कि हिंदी भाषा में या देवनागरी लिपि में वर्णों की जो संख्या है वह निश्चित नहीं है। अलग अलग होने से पाठक विद्यार्थी असमंजस स्थिति में होते हैं कि आखिर इसमें वर्णों की संख्या कितनी है। जिस प्रकार से अंग्रेजी की यदि बात करें हम, रोमन लिपि की यदि बात करें हम, तो इसके अंदर निश्चित वर्ण है, 26 वर्ण माने गए हैं। इस प्रकार से इसमें कितने वर्णों को, हालांकि जो मानक हिंदी के अनुसार है वे 44 वर्ण माने गए हैं, पर ये कमी बताने वाले अन्य लिपियों के विचारकों का मानना है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुख्यतया देवनागरी लिपि की तीन कमियों को यहाँ अंकित किया जाता है। इस प्रकार से छोटे क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर कि देवनागरी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या हैं, देवनागरी लिपि की कमियां क्या है। दूसरा जो टॉपिक होता है आपका लिपि होता है, जो मेन टॉपिक था वे भाषा लिपि एवं व्याकरण, दो अंक का सवाल आता है। इस दो अंक के सवाल में एक क्वेश्चन आपके लिपि से करता है तो दूसरा क्वेश्चन भाषा एवं व्याकरण से कर लेता है, कभी एक व्याकरण से करता है तो दूसरा लिपि और भाषा में से कर लेता है। जो मानिए कि किसी से भी कोई भी क्वेश्चन करे एक परिभाषा अवश्य पूछता है, चाहे भाषा की पूछे चाहे लिपि की पूछे। यह तीसरा जो टॉपिक है हमारा वो है व्याकरण। प्यारे विद्यार्थियों, भाषा और लिपि के बारे में आपने यहाँ पर जानकारी ली, अब हम व्याकरण की जानकारी लेते हैं किस प्रकार से उसके अंदर बोर्ड के द्वारा सवाल पूछे जाते हैं। सो देखिए, व्याकरण किसे कहें, अभी आपने
ये बताया कि व्याकरण से तात्पर्य क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप लिखने एवं बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला जो शास्त्र होता है उसे व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण 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 क्या है लिखिए सभी विद्यार्थी कि हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने एवं बोलने के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र देने वाला शास्त्र व्याकरण शास्त्र कहलाता है। व्याकरण शास्त्र कहलाता है। प्रश्न थोड़ा बहुत घुमा करके पूछ लिया जाता है, वही एक अंक का सवाल पूछा जाता है। इस एक अंक के सवाल में कभी तो ये पूछा जाता है व्याकरण किसे कहते हैं, तो कभी ये पूछा जाता है व्याकरण शास्त्र किसे कहते हैं, तो कभी ये पूछ लिया जाता है कि व्याकरण को कितने रूपों में विभाजित किया गया है। छोटे 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 सवाल पूछता है। आप के पाठ्यक्रम में 9 से 12 हिंदी व्याकरण की बुक चलती है, उस बुक के अंदर 1.5 पेज दे रखा है जिसमें से हर एग्जाम में मानिए एक अंक का सवाल निश्चित पूछता है। प्यारे विद्यार्थियों, कितने आश्चर्य की बात है कि सभी विद्यार्थियों को जब ये पता है कि मात्र इस 1.5 पेज में से एक अंक का सवाल आएगा और उसके बावजूद भी विद्यार्थी यदि उस सवाल को गलत करके आता है तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। आप हिंदी व्याकरण की जो बुक है उसको खरीदिए, सरकारी बुक चलती है 9 से 12 हिंदी व्याकरण, उसको खरीदिए। उसके अंदर जो व्याकरण शास्त्र से संबंधित या व्याकरण के नियमों से संबंधित या यूँ कहिए भाषा लिपि एवं व्याकरण का जो टॉपिक दे रखा है, बिंदु दे रखा है, उसको ठीक से पढ़िए और वहाँ से आसानी से आप तैयारी करके उसके 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने उसको ठीक से देखा है तो थोड़ा बहुत उसमें से घुमा फिरा देता है लेकिन सवाल उसी पेज में से करता है। यदि आपने उसको याद कर रखा है फिर किसी भी प्रकार से बोर्ड घुमाए अपने को उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। अभी आपने बताया कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण शास्त्र से क्या तात्पर्य है, हिंदी को कितने वर्गों में बांटा गया है। यदि हम बात करते हैं तो हिंदी भाषा को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, प्रश्न ये करता है कि हिंदी भाषा को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। सो लिखिए, हिंदी भाषा को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। लिखिए हिंदी भाषा के वर्ग यूँ कहिए कि हिंदी भाषा को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। 3 वर्ग पहला वर्ग है, आप लिख सकते हैं कि जो इसका पहला वर्ग है वह है वर्ण विचार,
दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। पहला है वर्ण विचार, वर्ण विचार। दूसरा है शब्द विचार और तीसरा जो इसका वर्ग होता है वो होता है वाक्य विचार। वाक्य विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। प्यारे विद्यार्थियों यहां पर आप इसे समझ लीजिए, जिसमें किसी भी भाषा के, या हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं हम, यदि वर्णों के ऊपर विचार किया जाता है तो वह हिंदी भाषा के अंदर वर्ण विचार कहला सकता है। वर्णों की यदि हम बात करें तो वर्णों को दो भागों में, वर्णों के दो भेद माने आपने, पहला आपने बताया स्वर और दूसरा बताया आपने व्यंजन। स्वरों के फिर आपने दो भेद किए, एक लघु, लघु स्वर, तो दूसरा आपने कहा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। लघु स्वर में आपने वे मात्राएं रखी जिनका उच्चारण एक ध्वनि के माध्यम से प्रकट किया जाता है, ए, ई, ओ, री। इसी प्रकार से दीर्घ आपने ये कहा कि जिनमें एक ध्वनि के बजाय दुगनी ध्वनि निकलती हो, या यूं कहिए कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय लघु स्वरों की तुलना में लगभग दुगना समय लगता हो। यदि हम समय की बात करें तो यूं मानिए कि इनके अंदर जो समय होता है वो लगभग दुगना लगता है और इनके अंदर आधा लगता है, हालांकि दुगना नहीं होता। हम माना कि ध्वनि को इतना मान लेते हैं कि भाई 100% है, यदि हम 100% मिले हैं तो 44% या यूं कहिए कि 44% समय लगता है लघु स्वरों का उच्चारण करने में, तो 56% जो समय लगता है वो दीर्घ स्वरों का उच्चारण करने में लगता है, फिर भी इसको लगभग दुगना बताया जाता है। बात करते हम यहाँ व्यंजनों की, व्यंजनों को पुनः बांटा गया है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ, ये विभाजित किए गए हैं। अगर इनका अध्ययन किया जाता है तो ये सभी वर्ण विचार के अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है शब्द विचार और तीसरा होता है वाक्य विचार। ये तीन वर्ग बनाए गए हैं हिंदी भाषा के, कि जिनको हम तीन वर्गों में विभाजित करते हैं। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपने अभी बताया कि व्याकरण को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। हिंदी भाषा को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन हम इसके अंदर तीन टाइप के सवाल पढ़े। पहला जो टाइप था हमारा वह टाइप था भाषा से संबंधित, दूसरा लिपि से संबंधित और तीसरा व्याकरण से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से अपना ये टॉपिक पूरा होता है। दो अंक का सवाल था जिसके अंतर्गत आपने सभी प्रकार के सवाल पूछे। इसके अलावा 9 से 12 की जो हिंदी व्याकरण की बुक होती है उसको आप अवश्य पढ़ें। एक एक अंक के सवाल, उसमें दो सवाल करता है भाषा वाले टॉपिक में, जिसको ठीक से आप तैयार करके और बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करें। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आसानी अपितु विश्वास करता हूँ कि आपके ये टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आया होगा। धन्यवाद।